Hello students, hope you all are well. Last day I discussed all the components of food and I had given you homework. I hope you have completed it. And today I'll send you the answer sheet. Now to continue, our second chapter will start from this topic, a balanced diet. देखो balanced diet, आप क्या बोलना चाहोगे बैलेंस डाइट के बारे में? बैलेंस डाइट से हमें क्या पता चल रहा है कि एक ऐसी डाइट जो बैलेंस्ड हो, जो बिल्कुल सही हो. बट वो किस तरह से सही होगी वो हम इसके बारे में डिटेल से इसमें पढ़ेंगे. देखो, टू कीप हेल्दी वन नीड्स ऑल द न्यूट्रिशंस इन ऑप्टिमम क्वांटिटी. किसी को भी हेल्दी रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो किस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं? एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में, एक बिल्कुल जो सबसे अच्छी क्वांटिटी हो सब चीज़ों की, सारे न्यूट्रिशंस की एक अच्छी क्वांटिटी जिस फूड में हो, उससे हमें वो हम फूड जब लेंगे तो हम हेल्दी रह पाएंगे. ओनली वन काइंड ऑफ फूड कैन नॉट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स. एक टाइप का फूड हमें कभी भी सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड नहीं करा सकता. ठीक है, मतलब हम एक फूड को खाकर, एक तरह के फूड को खाकर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते. इफ़ वी ईट ओनली जंक फूड, अगर हम ओनली जंक फूड लेते हैं जिसमें क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स, जो ये हैं, ये सब हम अगर लेते हैं तो वी मे गेट फैट्स. तो हमें क्या मिलेगा? ओनली फैट मिलेगा और शुगर मिलेगी, बट नॉट अदर न्यूट्रिएंट्स. बट हमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. सो दिस कैन लीड टू ओबेसिटी, और इस कारण से ये हमें किसकी तरफ लेके जाएगा? ओबेसिटी की तरफ, एंड डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की तरफ, और हार्ट प्रॉब्लम्स और जो अदर हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब की. मीन्स अगर हम ये वाले जो जंक फूड होते हैं इन्हें खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, तो अलग अलग तरह की डिजीज़ मिलेगी. तो इस तरह से ये हमें बहुत ही कम लेना चाहिए. अब देखो बैलेंस डाइट की यहाँ एक पूरी डेफिनेशन दी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ. A diet that contains all the essential nutrients in correct proportion required for our body is known as balanced diet. Means एक ऐसी diet जो कि क्या contain करती है? All the essential nutrients, जो भी सारे essential nutrients हैं. अब nutrients मैंने आपको सारे बताए थे, vitamins, minerals, carbohydrate, proteins, जो भी सारे मैंने components आपको पढ़ाए वो सब nutrients थे. तो वो सारे nutrients जब कोई डाइट कंटेन करती है, वो भी करेक्ट प्रोपोर्शन में. किस प्रोपोर्शन में? करेक्ट प्रोपोर्शन में हो जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हो. मतलब जितनी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की रिक्वायर्ड है, वो सारे न्यूट्रिएंट जब एक किसी डाइट में होता है तो वो किसे नाम से जाना जाता है? बैलेंस डाइट. उसे बोला जाता है बैलेंस डाइट. ओके, अब बैलेंस डाइट शुड कंटेन द फॉलोइंग. अब जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या क्या कंटेन करना चाहिए उसको, वो हम बता रहे हैं आगे. फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? मींस ऐसा फूड जो हमें एनर्जी दे रहा हो. देखो स्टार्ट, द फूड विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. मींस एक ऐसा फूड जो रिच हो किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में एंड फैट्स से. मतलब एक ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो और फैट दोनों हो, प्रोवाइड्स एनर्जी टू आर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है. मैंने आपको बताया था जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट पढ़ाया था तब, कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों में क्या होता है? एनर्जी होती है. और वो एनर्जी जब हमारी बॉडी को मिलती है तो जब हम ये दोनों जो वाले फूड खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी. ओके, नाउ नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स कंटेंट इन आर फूड हेल्प्स आर बॉडी टू ग्रो. जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं? जब हमारे फूड में प्रोटीन होता है तो हम जब उसे लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? ग्रो करती है, यानी बढ़ती है. और उससे ही हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन जिसमें प्रोटीन होता है जिस फूड में, उसे क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी को बनाने वाला फूड. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड. हमें जो बैलेंस डाइट में आता है वो प्रोटेक्टिव फूड भी आता है. अब सर्टेन फूड्स विच कंटेन विटामिंस एंड मिनरल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. मींस ऐसा
फूड जिसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स हो, मतलब जो हम फूड ले रहे हैं अगर उसमें विटामिन्स और मिनरल्स हैं तो वो हमारी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराएगा, प्रोटेक्शन। वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा किसके अगेंस्ट में, डिजीजेस के। मतलब जब हम ऐसा फूड खाते हैं जिसमें विटामिन और मिनरल हो तो हम डिजीजों से बचे रहेंगे, मतलब हमें डिजीज़ नहीं होगी इतनी। ओके, तो इस तरह से ये तीन टाइप के फूड जो हैं हमें लेना ही चाहिए। बैलेंस डाइट में ये तीन टाइप के फूड आते ही हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो आप जो फूड खाते हो और जो आपके फैमिली में अदर खाते हैं, मतलब आपके घर में सब होंगे, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो सब जो भी खाते हैं खाना, उनकी डाइट अलग अलग होती है। सब खाने में अलग अलग, सबकी क्वांटिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। आपने कभी कंपेयर किया होगा कि जो आपके पेरेंट्स खा रहे हैं और जो आप खा रहे हो वो फूड बिल्कुल अलग है, मीन्स उसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल अलग है। अब आप खुद सोचो कि कौन ज़्यादा क्वांटिटी में भोजन करता है, कौन ज़्यादा खाना खाता है। इस तरह से आप सोचो जो छोटी बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी जो डाइट होती है वो किस तरह की होती है। दे टेक ओनली मिल्क, वो ओनली क्या लेता है, मिल्क। मीन्स उसकी डाइट बिल्कुल अलग है, वो हमारी तरह हैवी डाइट नहीं लेता है बल्कि मिल्क लेता है। वाई डू दीज डिफरेंसेस इन दै इन डाइट एग्जिस्ट। अब ये जो ऐसा डिफरेंस है डाइट में, ये क्यों है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है कि आपकी और आपके ब्रदर या आपकी सिस्टर की डाइट अलग है, या आपके पेरेंट्स और आपकी डाइट अलग है, और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी डाइट अलग है, तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगी। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। जो बैलेंस डाइट होती है वो सबके साथ सबकी एक जैसी नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, ये किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे, एज पे, सेक्स पे, हेल्थ पे। मतलब जो बैलेंस डाइट होती है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एंड द टाइप और नेचर ऑफ वर्क। और जो हमारा काम करने का जो प्रोसेस होता है या टाइप होता है उसके नेचर पे भी, हमारे वर्क पे भी, मतलब हमारी डाइट डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ वर्क के अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, सबको अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग डाइट किस तरह एग्जिस्ट करती है या डाइट कैसे डिफरेंट होती है वो बताया हुआ है। फर्स्ट, अ हार्ड वर्किंग लेबरर नीड्स मोर एनर्जी विच है ही कैन गेट बाय ईटिंग मोर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो, एक जो हार्ड वर्किंग लेबरर होते हैं ना, जो हार्ड वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसी लेबर, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब वो ज़्यादा एनर्जी उन्हें कब मिलेगी, जब वो क्या खाएंगे, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट वाला फूड जब वो खाएंगे तो उन्हें एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से हार्ड वर्किंग लेबरर क्या यूज़ लेती है अपने खाने में, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से अ चाइल्ड ग्रोज वेरी रैपिडली, एक जो चाइल्ड है, बच्चा जो होता है वो जल्दी जल्दी बड़ा होता है, बढ़ता है जल्दी है। तो फॉर दिस रीज़न, तो इस रीज़न से ही नीड्स मोर एंड मोर पैशंस प्रोटीन्स इन हिज डाइट। सॉरी, तो ये जो चाइल्ड जब बड़ा हो रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की नीड होगी, प्रोटीन्स की, यानी उसकी डाइट में क्या होना चाहिए, प्रोटीन वाला वाला फूड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन डूइंग अ टेबल वर्क नीड्स लेस एनर्जी देन अ लेबरर। जब एक पर्सन टेबल वर्क करता है, मीन्स हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, हमारे घर में भी हैं, जो ऑफिस में वर्क करते हैं या जो टेबल वर्क करते हैं, ज़्यादा जिनका एनर्जी जाने वाला वर्क नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें कौन सा, जो लेबर को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे कम एनर्जी वाला फूड चाहिए होता है उन्हें, तो उन क्योंकि उनकी एनर्जी यूज़ नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस नीड्स मोर प्रोटीन रिच फूड। अब एक पर्सन है जो कि रिकवर कर रहा है उसकी लॉन्ग इलनेस से, मतलब एक लंबे समय से चलने वाले बीमार पर्सन से, अगर वो रिकवरी कर रहा है, बीमार पर्सन है कोई और वो रिकवर हो रहा है, तो उसे किस टाइप का फूड चाहिए उस टाइम, प्रोटीन रिच फूड, यानी जिसमें जिस फूड में प्रोटीन ज़्यादा हो वो वाला फूड उसे तब चाहिए होता है। अ नर्सिंग मदर एंड अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो नीड मोर प्रोटीन रिच फूड टू सर्व द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग बेबी।
जो नर्सिंग मदर होती है या प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उनको भी प्रोटीन रिच फूड ही चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग बेबी के लिए, जो बढ़ रहा है बेबी, उसके नीड के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है, तो इसलिए उनको भी प्रोटीन फूड लेना चाहिए। नेक्स्ट, बिसाइड्स ह्यूमन बींग्स, अब देखो ह्यूमन बींग्स को छोड़कर ऑल अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं ऑल्सो नीड बैलेंस डाइट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, तो उनको भी बैलेंस डाइट की नीड होती है उनकी ग्रोथ के लिए। मीन्स ओनली ह्यूमन बींग्स ही नहीं, एनिमल्स भी उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए उन्हें भी बैलेंस डाइट चाहिए होती है। देखो यहाँ पे आपको एक बैलेंस डाइट बताई हुई है, जो स्कूल गोइंग चाइल्ड होता है, जो स्कूल जाने वाला बच्चा होता है उसके लिए बैलेंस डाइट क्या होती है, मतलब उसे क्या क्या फूड किस क्वांटिटी में लेना चाहिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखो दो तरह से दिया हुआ है, एक वेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए, एक नॉन वेजिटेरियन चाइल्ड्स के लिए। मतलब जो वेजिटेरियन हो उसके लिए इतनी क्वांटिटी और जो नॉन वेजिटेरियन हो उसके लिए इतनी क्वांटिटी, और फूड यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क की क्वांटिटी वेजिटेरियन के लिए 250 ग्राम एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए भी 250 ग्राम। फ्रूट्स की क्वांटिटी वेजिटेरियन के लिए 50 ग्राम और नॉन वेजिटेरियन के लिए भी 50 ग्राम। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनके लिए क्वांटिटी 75 ग्राम और नॉन वेजिटेरियन के लिए 100 ग्राम। तो इस तरह से जो सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे दी हुई है कि इन्हें किस तरह से किस क्वांटिटी में लेना चाहिए फूड। ओके, अब मैंने आपको बैलेंस डाइट तो समझा दिया पूरा और होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब देखो यहाँ हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर इन डाइट। अब इन डाइट से डिसऑर्डर क्या क्या हैं, देखो फर्स्ट आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मैं आपको बता दूँ मोटापा होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट इज़ अ वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक बहुत इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। बट ईटिंग टू मच ऑफ इट मै लीड टू इल हेल्थ। बट अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते रहेंगे या ज़्यादा लेंगे तो ये किसको लीड करेगा, इल हेल्थ को, यानी हमारी हेल्थ को बीमार कर देगा। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इंटू फैट एंड गेट डिपोजिट इन इन द बॉडी। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हम जब फूड लेंगे कार्बोहाइड्रेट वाला, तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में, एंड गेट डिपोजिटेड, और डिपोजिट हो जाता है इन द बॉडी, बॉडी के अंदर वो डिपोजिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। पीपल बिकम ओवर वेट, और उससे क्या होता है, पीपल जो होते हैं, लोग होते हैं, वो ओवर वेट हो जाते हैं। एंड दिस कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। और जो ये कंडीशन होती है बॉडी की उसको क्या बोला जाता है, ओबेसिटी। मीन्स जब कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाए, तो पीपल जो हैं वो ओवरवेट हो जाएंगे, उनका वज़न बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को ही क्या बोला जाएगा, ओबेसिटी। दे नेवर रिमेन एक्टिव एंड जनरली सफ़र फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स। अब जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है ओबेसिटी वाली, वो क्या करते हैं, दे नेवर रिमेन एक्टिव, वो एक्टिव नहीं रह पाते। मीन्स वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, वो अपने आप में एक्टिव नहीं रहते हैं। एंड जनरली सफ़र फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स, और जनरली कौन सी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से, उनको हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर वो है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, वाइल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टैक फूड रिच इन वेरियस न्यूट्रिएंट्स। जब अब हम सब जानते हैं कि जो बैलेंस डाइट है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, मीन्स न्यूट्रिएंट्स लेना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो वाइल इट इज़ इम्पोर्टेंट, जब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें फूड ऐसा फूड लेना है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों, अच्छे से हों, यू मस्ट ऑल्सो बी अवेयर, तो आप इसके लिए अवेयर भी हो जाते हो, बट दैट लैक ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड, पर जब इस चीज़ की कमी हो, हमें इस टाइप का फूड नहीं मिल पाए, तो इससे एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है, मैल न्यूट्रिशन। मीन्स वेरियस न्यूट्रिएंट वाला जब फूड हमको नहीं मिल पाए या उसकी कमी हो जाए हमें, तो क्या बोल उस तो ये हमें एक डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर वो क्या कहलाता है, मेल न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। मीन्स किसी चीज़ की कमी से होने वाली जो डिजीज़ेस होती हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ।
डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स विटामिन्स और मिनरल्स इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। मीन्स ऐसी डिजीज जो किनकी किसी चीज़ की कमी से, किनकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हो जाती हैं, जो कि हमारे डाइट में जब ये सारे कंपोनेंट्स नहीं हो, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हो, तो हमें डिजीज़ हो जाएंगी और उस डिजीज़ को बोला जाएगा डेफिशिएंसी डिजीज़। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफिशिएंसी डिजीज़ दी हुई है एंड उसके सिम्टम्स दिए हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट यहाँ पे आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से मेरास्मस डिजीज़ हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। द ग्रोथ इज़ स्टॉप्ड, जो ग्रोथ होती है हमारी वो स्टॉप हो जाती है। बॉडी इज़ वेरी थिन एंड वीक, जो बॉडी होती है वो थिन हो जाती है एंड वीक हो जाती है, बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। लॉस ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना, और हम एनर्जी और स्टेमिना का लॉस कर चुके होते हैं, मतलब उसमें एनर्जी नहीं होती है हमारे पास और स्टेमिना भी नहीं रहता है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन से क्वाशियोरकर डिजीज़ होती है एंड इसमें इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं स्वॉलन स्टोमक, थिन लेग्स, पतले लेग्स एंड अगली पैस्ड स्किन, जो हमारी स्किन है वो अगली हो जाती है, पैस्ड बिल्कुल चिपकी हुई सी हो जाती है। इस तरह से फेट जो है उससे होता है मैरास्मस, मैरास्मस से इसके बाद इसके सिम्टम्स हैं इची, फैटिक, ड्राई स्किन, जो इची और फैटिक स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, जॉइंट पैन, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होने लग जाता है, डिप्रेशन की कंडीशन हो जाती है एंड इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, और हम कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट विटामिन ए, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ होती है, मतलब हमें रात में नज़र नहीं आता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब इसमें क्या सिम्टम्स हैं, ड्राइनेस ऑफ आइज, जो हमारी आइज़ हैं उसमें ड्राइनेस होती है, बहुत सूखी हुई हो जाती है। इम्प्रॉपर विज़न, विज़न इम्प्रॉपर हो जाता है, मतलब हमारी जो विज़न है वो हमें नज़र ही नहीं आता है। आई इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट विटामिन बी, इससे होने वाले डिजीज़ हैं बेरी बेरी। इसके सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, हार्ट एबनॉर्मलिटीज़, पैल स्किन, इरिटेशन ऑफ आइज, आइज में इरिटेशन होता है, फ्रिक्वेंट हेडेक, बहुत जल्दी जल्दी से हेडेक होने लग जाता है, हार्ट की एबनॉर्मलिटी होती हैं, एपेटाइट में लॉस हो जाता है। तो इस तरह ये सारे सिम्टम्स हैं जिनसे ये डिजीज़ हमें पता चलती है कि ये डिजीज़ हमें हो रही हैं, और वो इन सबकी लैक से यानी इन सबकी कमी से ये डिजीज़ होती हैं और इनके सिम्टम्स ये हैं। इस तरह से अभी और डिजीज़ हैं जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे विटामिन सी। विटामिन सी से डिजीज़ होती हैं स्कर्वी एंड इसके सिम्टम्स है ब्लीडिंग जम्स, पुअर एपेटाइट एंड स्किन डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट विटामिन डी, इससे होता है रिकेट्स। रिकेट्स में सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, पिजन चेस्ट होता है, नोक नीज एंड बोलेग्स, ये सारे इसके सिम्टम्स। विटामिन ए, इसमें रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें डैमेज्ड स्किन, स्किन डैमेज हो जाती है, प्रीमैच्योर एजिंग एंड लंग प्रॉब्लम्स, और प्रीमैच्योर एजिंग हो जाती है, लंग प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे। नेक्स्ट है विटामिन के, इसमें होती है हेमोरफेस और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है फ्रॉम एनी एन इंजरी, जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई लग जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। ऐसे नेक्स्ट आता है आयरन, आयरन की कमी से हमें होता है एनीमिया। इसमें अ पर्सन लुक्स पैल एंड टायर्ड, लॉस ऑफ एपिटाइट, इसमें क्या लगता है, पर्सन पैल नज़र आता है, मतलब पीला सा एंड टायर्ड और बहुत थका हुआ लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और एपेटाइट का लॉस हो जाता है। आयोडीन, आयोडीन से होता है गोइटर, जिसमें होता है इनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड इन द नेक, जो हमारा नेक है उसमें थायरॉयड ग्लैंड बन जाती है बड़ी सी, और ये इसका सिम्टम है। ऐसे कैल्शियम है, इसकी कमी से होता है रिकेट्स, जिसमें सॉफ्ट एंड बैंड बोन्स हो जाती हैं, मतलब जो हमारी बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट और मुड़ी हुई हो जाती हैं। लॉस ऑफ टीथ इनेमल, हम टीथ इनेमल खो चुके होते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में होती हैं डीके ऑफ टूथ एंड इरोजन ऑफ बोन्स, टूथ का डीके एंड इरोजन हो जाता है बोन्स का,
इसमें क्या होता है, वीक बोन्स एंड टीथ, हमारी जो बोन्स हैं और टीथ है वो वीक हो जाते हैं। सोडियम, सोडियम की कमी से होता है टायर्डनेस, मतलब हम ज़्यादा थक जाते हैं। और इसमें होता है मसल क्रैम्प्स, मतलब मसल क्रैम्प हो जाती हैं। नेक्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम से होता है पैरालिसिस, जो कि वीक मसल्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन की कमी से टूथ डीके होता है, जो कि वीकनेस ऑफ टीथ एंड जम्स, जो कि किसकी, टीथ एंड जम्स की वीकनेस के कारण, मतलब ये इसके सिम्टम्स होते हैं, टीथ वीक हो जाते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन से होता है पायोरिया, इसमें हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारी हार्ट एक्टिविटी भी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से ये बहुत सारी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी से हमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं और उनके सिम्टम्स हमने इधर रीड कर लिए। अब यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ टू मेंटेन द फूड क्वालिटी, मीन्स हम फूड की क्वालिटी कैसे बनाए रख सकते हैं, वो हम इसमें रीड करेंगे। देखो यहाँ पे आता है कुकिंग ऑफ फूड, हम फूड को कुक करते हैं ये तो सब जानते हैं। अब देखो, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, मीन्स जो राइट काइंड का जो फूड है, एक सही तरीके का फूड, वो खाना ही इनफ नहीं होता, बल्कि इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। इसको कुक करने का प्रोसेस जो होता है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, मीन्स वो कुक भी अच्छे से होना चाहिए, पकाया अच्छे से जाना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। सो इस कारण से उसके क्या हो, इस तरह से अगर हम उसको अच्छे से प्रॉपरली तरीके से कुक करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस नहीं होंगे। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स आर प्रोसेस्ड इन सम वे बिफोर दे आर ईटन, तो ऑलमोस्ट जो सब तरह के फूड हैं उनको किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी प्रोसेस से उसको कुक किया जाता है खाने से पहले, तो हमें कोई ना कोई प्रोसेस करना होता है कोई भी फूड को खाने से पहले। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग, कुकिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। फूड इज़ कुक्ड टू मेक इट ईजी सो टू ईट, फूड को कुक किस लिए किया जाता है, ताकि हम उसको ईजीली खा सकें, डाइजेस्ट कर सकें, एंड टू किल जर्म्स, और जर्म्स को किल कर सकें, मार सकें। तो ये सारे क्या हैं, कुकिंग के एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग, कुकिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। ऑल दो कुकिंग इज़ यूजफुल, जहाँ तक हमने जाना कि कुकिंग इज़ यूजफुल, कुकिंग यूजफुल है, बट एट द सेम टाइम, बट इसी टाइम पे इट इज़ डिसएडवांटेजियस, मतलब ये डिसएडवांटेज भी हैं हमारे लिए, वो किसी किन तरह से, वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बताती हूँ। फर्स्ट है, कुकिंग रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब जब हम कुक करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुक करने के बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको हम लॉस कर चुके होते हैं, मतलब जब फूड पकाया जाता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूज़फुल प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट, जो बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं वो जा सकते हैं, इससे लॉस हो जाता है उनका। इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे, जब हम कुकिंग करते टाइम ज़्यादा वाटर यूज़ लें और उस वाटर को बाद में फेंक दिया जाए, तो इस तरह से वो प्रोटीन और मिनरल्स सब वहीं पे लॉस हो जाते हैं उनका, या फिर उनका वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, विटामिन सी जो होता है वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है, कब, जब हम कुकिंग कर देते हैं टाइम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो विटामिन सी अगर किसी फूड में है तो वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एस एस्कॉर्बिक एसिड एंड फोलिक एसिड विच आर ससेप्टिबल टू ऑक्सीडेशन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रिस्क कुकिंग, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस भी हैं जैसे एस्कॉर्बिक एसिड एंड फोलिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जब कैसी कुकिंग की जाती है, ब्रिस्क कुकिंग, मतलब बहुत जल्दी कुकिंग, बहुत तेज़ी से कुकिंग की जाती है, तो इस तरह से ये जो एसिड हैं जो कि न्यूट्रिएंट होते हैं वो इजीली
जो रिएक्ट हो जाके होकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनरल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर। जो मिनरल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हाई टेम्परेचर में। जब हाई टेम्परेचर होता है, हीटिंग ज़्यादा होती है, तो मिनरल्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। इन सम केसेस फ्लेवर में भी लॉस्ट बाय ब्रिस्क कुकिंग। जब ब्रिस्क कुकिंग होती है तो फ्लेवर भी लॉस हो जाता है, हमारे फूड का जो फ्लेवर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव कुकिंग में ऑल्सो कोज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द वेजिटेबल्स। जब हम एक्सेसिव कुकिंग करते हैं, मीन्स हम जब फूड या वेजिटेबल को ज़्यादा देर तक पकाते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है डाइजेस्टिबिलिटी पर। जो वेजिटेबल है उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े जिनसे क्या है, जो कि क्या है डिसएडवांटेज हैं कुकिंग करने के, जिससे हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं या कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। नाउ चेक योर नॉलेज 3। ये चेक योर नॉलेज आपको घर पे खुद को करना है। मैं इसको पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी और आपको इसे सॉल्व करना है। सो, इस तरह से हमने आज बैलेंस डाइट, डिसऑर्डर इन डाइट, हाउ टू मेंटेन द फूड क्वालिटी, ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जो मैंने होमवर्क आपको दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। और जो इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके आगे की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, बाय बाय।